संचार विभाग DOT ने सिम कार्ड की बेचने के लिए नए नियमों की घोषणा की है। ये नियम धोखाधड़ी वाले फोन कॉल के साथ साथ SMS और कई दूरसंचार धोखाधड़ी की रिपोर्टों के बाद आए हैं। दरअसल एक ही व्यक्ति के नाम और पहचान प्रमाण का उपयोग करके हजारों से अधिक सिम कार्ड जारी किए जाने की भी खबरें आई हैं। धोखाधड़ी के बढ़ते मामलों के कारण सरकार ने भी बड़े पैमाने पर कार्रवाई शुरू कर दी है। दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव के अनुसार सरकार ने 66,000 धोखाधड़ी वाले व्हाट्सएप खातों को ब्लॉक कर दिया है, 67,000 सिम कार्ड डीलरों को ब्लैकलिस्ट कर दिया, धोखेबाजों के खिलाफ 300 FIR दर्ज की और 52 लाख फोन कनेक्शन डीएक्टिवेट कर दिए। इसके अलावा धोखेबाजों द्वारा इस्तेमाल किए गए लगभग 8 लाख बैंक वॉलेट खाते फ्रीज कर दिए गए हैं। नए सिम कार्ड नियम। नए नियमों का उद्देश्य सिम कार्ड की धोखाधड़ी वाली सेल को रोकना है। सर्कुलर में कहा गया है कि ये नियम 1 अक्टूबर से लागू होंगे और टेलीकॉम ऑन ऑपरेटरों को 30 सितंबर से पहले सभी पॉइंट ऑफ सेल POS को पंजीकृत करना होगा। DOT ने टेलीकॉम ऑपरेटरों पर अपंजीकृत डीलरों के माध्यम से सिम कार्ड की सेल के लिए 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाने की भी घोषणा की है। इसमें आगे कहा गया है कि सभी मौजूदा POS विक्रेताओं को सितंबर के अंत तक दस्तावेज जमा करने और पंजीकरण करने की आवश्यकता है। POS या खुदरा विक्रेता को पंजीकरण के लिए कॉरपोरेट पहचान संख्या CIN या व्यवसाय लाइसेंस, आधार या पासपोर्ट, पैन, माल और सेवा कर पंजीकरण प्रमाण पत्र आदि प्रदान करना होगा। यदि POS में CIN, LLPIN, निगमन प्रमाण पत्र, पैन और GST प्रमाण पत्र नहीं है तो उसे उपलब्ध होने के तुरंत बाद एक हलफनामा और ये दस्तावेज जमा करना होगा। यदि कोई POS जाली दस्तावेज जमा करता है तो टेलीकॉम ऑपरेटरों को उसकी ID को ब्लॉक करना होगा और उस POS द्वारा नामांकित सभी ग्राहकों को फिर से सत्यापित करना होगा।